तो जन्म जन्म सदगुरु मिले, भक्ति बढ़े अगाए, अनुरागी सुरती लगे, शब्द में सदा समाए। संत कहते हैं मुझे हर जन्म में सदगुरुदेव भगवान मिले, और जब तक हमारी भक्ति पूरी न हो तब तक जो है हमें उनका सानिध्य मिलता रहे। और भजन में कहते हैं मेरो शब्द में लगत जिया बहुत दिन पहले से, सदगुरुदेव की शरण हमें जन्म जन्म मिलती रहेगी तो हमारी भक्ति जो है बढ़ती रहेगी। और ये सदगुरुदेव भगवान मुझे पिछले जन्म की भक्ति से प्राप्त हुए हैं। और कहते हैं घटका शब्द मोए बतलाया, अनहद नाद सुनाया, कमल पर ध्यान दिया, तब प्रभु का दर्शन पाया, कमल पर ध्यान दिया, तब प्रभु का दर्शन पाया। मन मंदिर खोल दिया, बहुत दिन पहले से मेरो शब्द में लगत दिया, बहुत
मुझे घट में जो शब्द हो रहा है वो अजबा है, अक्षर है, जो रमण कर रहा है उसे बताया। और ब्रह्मांड में जो अनहद नाद की दुनिया होती है उसे सुनने की विधि बताई। और प्रकुट कमल पर गुरुदेव भगवान ने जब मेरा ध्यान टिकाया तो मुझे प्रभु का दर्शन होने लगा। और कहते हैं ब्रह्म रंध्र हो अमर गुफा पर शब्द ब्रह्म दर्शाया, द्वार दिखलाया तुरियालो आनंदा दसम द्वार दिखलाया, पहले मुझे घट के अंदर जो सांसों में रमण करने वाला नाम था शब्द था वो बताया। फिर ब्रह्म रंध्र से रास्ते से ऊपर चल करके भंवर गुफा पर पक्का अजबा बताया जिसमें तुरिया अतीत अवस्था का भान हुआ। तुरिया अतीत कहते हैं तीन अवस्थाएं सभी लोग जानते हैं, जगना, सोना, स्वप्न देखना। और चौथी अवस्था अंदर में जो अजपा है उसकी होती है तुरिया। और पांचवी अवस्था तुरिया अतीत होती है जो ब्रह्मांड में शब्द हो रहा है उसे सुनने से। और गुरुदेव भगवान ने दसवां दरवाजा ये बताया कि ये दसवां दरवाजा है, यहां से सुर गुरु आत्मा सतलोक में जाती है। और कहते हैं सुन दीप से सतलोक तक सुरंग मार्ग पकराया, सुन दीप से सतलोक तक सुरंग मार्ग पकराया, अनुराग